हेलो भाग्यलक्ष्मी, वेलकम टू माय चैनल। वेरी बिग थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन, मच। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ इन कॉमर्स। एंड अपना एक मेन मोटिव है यहाँ पे आपको लेके आने का कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी कुछ स्ट्रेटेजी होगा या आपने कुछ टाइम टेबल फॉलो होगा किया होगा, तो वो स्ट्रेटेजी या टाइम टेबल किसी दूसरे एस्पिरेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं आपके थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर माय नेम इज भाग्यलक्ष्मी एंड आई गॉट 99.96% इन पेपर वन एंड 98.975% इन पेपर टू एंड ओवरऑल 99.75। ग्रेट, सर मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट ग्रेट। या टेल मी। सो मच सर। सर आई हैव डन माय अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम भवन विवेकानंद कॉलेज अंडर उस्मानी यूनिवर्सिटी एंड पीजी फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी। ओके ग्रेट। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके, सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या मतलब, जेआरएफ या नेट कुछ हुआ था? नहीं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट भी क्लियर नहीं हुआ था। ओके ओके। तो मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या कुछ जो चीजें थी नहीं की थी, या इस अटेम्प्ट में आपने वो चीजें की हैं, आपको कैसे वो एक बेसिकली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में डायरेक्ट जेआरएफ हुआ है, तो आपको क्या मतलब आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था पेपर वन पे, आप हम पहले डिस्कस करिए, देन पेपर टू पे डिस्कस करिएगा। पेपर वन पे आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ज्यादा फोकस सिलेबस कवर करने पे किया था। पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट बहुत ही कम किए थे जिससे ओके मुझे लगा कि मेरा नेट भी नहीं हो पाया। मेरा सिर्फ एम था कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करूँ, कुछ भी रह ना जाए। बट हाँ मैंने पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट इन सब पे डीपली नहीं गई थी। सेम पेपर टू पेपर वन दोनों में मैंने यही किया था, मोस्टली सिलेबस पे ज्यादा फोकस किया था। अच्छा, इस बार आपका पेपर वन पे क्या स्ट्रेटेजी रहा, एंड आपने पर्टिकुलरली क्या आपके रिसोर्सेस थे, आपने कैसे पेपर वन का प्रिपरेशन किया? एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पूरे 10 यूनिट्स उनको प्रिपेयर करके जाना है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पेपर वन में कितने यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर किया था और कितने यूनिट्स को सिर्फ देखा था, या कौन कौन सी यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर की थी? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 में से 10 यूनिट पूरी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका व्यू क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं सर, 10 में से 10 यूनिट्स तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी। मैंने यस रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड या आपकी वीडियोस से बहुत अच्छे से किया था। रिसर्च एप्टीट्यूड की आपकी वीडियो सच में सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और टीचिंग एप्टीट्यूड, DI, इनमें मैंने ज्यादा फोकस किया था। DI और रिसर्च रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में डेली एक एक क्वेश्चन किया था इनका। एंड पीपल एंड इन्वायरमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें मैं ज्यादा नहीं अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी। मीन्स किया था, बट जितना रिसर्च एप्टीट्यूड में किया था उसके अकॉर्डिंग इतना नहीं करा था। हाँ, मुझे थोड़ा यही डिफिकल्ट लगता था। या यही आपका स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपको कुछ यूनिट, वो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप 6 to 7 या 8 यूनिट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओगे तो आपका भी अच्छा स्कोर आ जाता है, ठीक है? और बाकी आरसी और डीआई के लिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आपको लास्ट के 1 या 2 मंथ्स में डेली एक डीआई और आरसी करना चाहिए, और आपने वो चीज की, डेफिनेटली आपको उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं पेपर टू आपका, जो कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया, आपका क्या रिसोर्सेस थे, आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने भी ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी पूछूंगा, पेपर टू में भी आप पूरा यूनिट प्रिपेयर करके गए थे या आपने थोड़ा सा यूनिट छोड़ा है, या क्या था आपका स्ट्रेटेजी बेसिकली? कॉमर्स पेपर टू का सर सिलेबस तो काफी ज्यादा वास्ट है, तो उसको पूरा कंप्लीट करना तो सर मेरे को नहीं लगता इतना पॉसिबल हो किसी के लिए भी। सर मैंने प्रैक्टिकल पोर्शन पे, मेरा प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा नहीं है तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने थियोरिटिकली ज्यादा सारा कवर किया था। मैंने आपने जो क्वेश्चंस वो फॉर्मुलेस दिए थे वो सब लर्न किए थे, पर मैं जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली करती थी तो मुझे उससे ज्यादा बेनिफिट लगता था कि मैं जो चीज कर पा रही हूँ उस पर ज्यादा फोकस करूँ। तो सर मैंने हाँ सर, पेपर टू में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताए थे मैंने उसी तरीके से आपकी हर वीडियोस को फॉलो किया है, उन सबके नोट्स बनाए हैं अलग अलग। मेरे पास 10 यूनिट्स के 10 नोट्स नोटबुक्स थी सर। और लास्ट में रिवीजन के लिए तो मेरा मानना है कि रिवीजन के लिए तो नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमने नोट्स बनाए हैं एकदम क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए जो कि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सकते हैं।
हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज बोली जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी भी मेरे को बहुत मैसेजेस करते हैं कि नोट्स दे दो अपने, तो ये गलत स्ट्रैटेजी। आपको अपने नोट्स मतलब बनाने चाहिए खुद, जितना हो सके चीजों को। जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें पता होंगी आपने कहाँ पे क्या लिखा है। और हमेशा ऐसा नहीं कि आपका ये जो पर्टिकुलर है कि 1 या 2 मंथ सिर्फ नेट के काम आएगा, आगे चल के भी अगर आप कुछ भी करोगे तो वहां पे भी ये नोट्स आपके प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, तो आपने खुद अपने नोट्स बनाए, बहुत अच्छा है ये। और पेपर 2 पे आपका कितने यूनिट्स आप प्रिपेयर करके गए थे? मतलब पूरा 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे कि 6 to 7 यूनिट्स? नहीं सर, मैंने पेपर 2 में 10 यूनिट्स प्रिपेयर की थी, बट कुछ जैसे टैक्स मेरा काफी अच्छा था, टैक्स, अकाउंट्स, मार्केटिंग, सर मेरा जो थोड़ा सा लैक पॉइंट था वो था फाइनेंस के, और ये फाइनेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये मेरे से नहीं हो पाते थे, फॉर्मूले लगा करना। बाकी सर मैंने पेपर 2 बहुत अच्छे से किया था, मैंने लास्ट 5 to 6 ईयर के PYQs पूरे सॉल्व किए थे, और सर PYQ सिर्फ वही नहीं जो सही ऑप्शन है, बाकी जो 3 ऑप्शंस रहते हैं उन सबको भी थोरली पढ़ा था। या राइट, ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि आप बहुत ज्यादा, जो लोग भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आप 200 या 300 डेली डेली पास्ट ईयर एमसीक्यू लगा रहे हो या एमसीक्यू लगा रहे हो। आप 50 to 60 अगर लगाइए, मोर देन इनफ है। अगर आप 20 भी लगा रहे हैं लेकिन आपको उन 20 क्वेश्चंस के पूरे कॉन्सेप्ट पता है, आपके जो ऑप्शन है पर्टिकुलरली ये ऑप्शन क्यों गलत है, पर्टिकुलरली ये ऑप्शन क्यों सही है, अगर आपको वो चीज पता है तो बहुत प्रॉफिट करता है। और मैं ये चीज कई बार बोल चुका हूँ कि पेपर 2 में आपका कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, आपके एमसीक्यू रिवाइज नहीं होते हैं। लाइक कुछ टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। फिर इसके बाद आपने पास्ट ईयर एमसीक्यू के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि पास्ट ईयर एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको लगाना चाहिए। एटलीस्ट जब से आपका एग्जाम में पहले 3 पेपर होते थे, जब से 2 पेपर स्टार्ट हुए हैं तब से आपको जितने भी एमसीक्यू है, क्योंकि तब से पैटर्न चेंज हुआ है, तब से आपको सारा एमसीक्यू लगाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भी। फिर आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किया था? मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? सर मैंने मॉक टेस्ट भी काफी सारे किए थे, दिए थे लास्ट मोमेंट में, तो सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, मैं उस पे मॉक टेस्ट देती थी, और सर मतलब पता चलता है कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में मेरा काफी गंदा स्कोर आता था, तो डिमोटिवेशन भी होता था। हाँ, इसका एक एक्चुअली दो दो पॉइंट है। कभी कभी मॉक टेस्ट डिमोटिवेट भी कर देते हैं, आपको मोटिवेट भी कर देते हैं, तो आपको उस पर डिमोटिवेट नहीं होना है। शुरुआत में आपका स्कोर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप 10 to 9 मॉक टेस्ट आप लगाओ लगाओ एग्जाम के पहले। ठीक है, तो आपने वो यूज किया। फिर नोट्स के बारे में भी आपने बताया, आपके नोट्स क्या मतलब जैसे 1 यूनिट के कितने 10 या 15 पेजेस के नोट होते थे, या आप जितना हो सके उनको समराइज करते थे, आपका क्या मतलब कैसे आप बनाते थे नोट्स को? लाइक मैं अपना बताता हूँ, लाइक मेरा 1 यूनिट का बहुत बड़ा सा नोट्स होता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब एग्जाम आने वाला होता था तो उसको 1 to 2 पेज या 3 पेज में मैं उसको समराइज करने की कोशिश करता था, ताकि जब एग्जाम का 1-2 दिन पहले का टाइम हो तो उसको बहुत अच्छे से रिविजन कर सकूं। तो उसी तरीके से आपका क्या अप्रोच था? सर मेरे भी हर यूनिट के काफी बड़े बड़े नोट्स हो गए थे, मतलब बहुत बड़े भी नहीं कहूंगी पर 30-40 पेजेस के थे, बट एग्जाम से पहले सर मैंने उन सबको सम अप किया था, मतलब मैं रिवीजन करती थी। मोनोटोनस तो हो जाता है रिवीजन बार बार करना, पर सर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी वास्ट सिलेबस है, तो उसको रिमेम्बर रखना, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सर मैं अपने छोटे छोटे नोट्स बना के लिख के ट्राई करती थी याद है कि नहीं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है कि आपका अभी UGPG शायद अभी कंप्लीट हुआ है या काफी पहले का है? अंडर यूजी और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, अंडर ग्रेजुएशन। सर मेरा 2020 में PG हो गया था। अच्छा, टोटल तो आपको क्या लगता है कि वहां का जो आपका UGPG का जो सिलेबस था यहाँ पे इम्पेक्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये भी हाँ बहुत जी सर, इम्पोर्टेंट। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और मुझे तो मेरा मानना तो है कि 11th 12th UG एंड PG इन सबको मिलाकर ही नेट GRF की जर्नी को हम अच्छे से तय कर सकते हैं, राइट राइट अगर राइट, हमारा बेस स्ट्रांग है तभी ये एग्जाम अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हाँ। तो इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। लाइक आपका जो UGPG का है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। ठीक है, आप वहां से बहुत, क्योंकि जो नेट का सिलेबस है जब वो लिखा जितना है उससे चीजें नहीं आती, चीजें और वास्ट होती हैं। आपने जो भी अपने कॉमर्स या जो आप मैनेजमेंट जिससे भी आप हो, आपने वो जो पढ़ा होगा अपने MCOM या MBA या BCOM BBA में, सारी चीजें वो आपको यहाँ पे देखने की मिलेंगी। बट लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप नेट JRF नहीं निकाल
निकाल पाओगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यूजी पीजी के बाद नेट जेआरएफ कैसे निकाल लेते हो, उसका रीजन ये है कि जो इंसान 3 से 4 साल अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आया, यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल के उसको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उसका नेट जेआरएफ इजिली निकलता है। ठीक है, मेरे साथ भी यही चीज है, मैंने अपने यूजी पीजी में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। फिर आपका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ठीक है, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है नेट बहुत सारे लोगों का, तो उस पे आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? सर, मेरा ऐसे कुछ फिक्स नहीं था कि मैं 10 घंटे डेली पढ़ूंगी, बट मैं ट्राई करती थी कि मैं एक भी दिन स्किप ना करूँ। किसी भी रीजन के लिए मैंने कभी स्किप नहीं किया, मैं कंसिस्टेंटली पढ़ती रही। अगर मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है तब भी मैंने रात में पढ़ने का ट्राई किया, जब भी टाइम मिल रहा था थोड़ा थोड़ा निकाल के, क्योंकि सर मैं मैरिड भी हूँ तो मेरे लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। बट सर तब भी मैंने ट्राई किया कि मैं एक भी दिन कुछ भी स्किप ना करूं, क्योंकि रिवीजन करना, पीवाईक्यूज करना, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये आपने बहुत सही चीज बोली कि आप अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो या 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक दिन आया, बहुत मोटिवेशन हुआ, किसी का वीडियो देखा और काफी मोटिवेट हुए और जाके 4-5 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ा, मतलब या 2-3 दिन पढ़ा। तो आप रेगुलरिटी मेंटेन करो, आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, क्योंकि जब आप जो 1 घंटे लगातार 1 मंथ पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट होगा, फिर ये 1 घंटा आपका 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे एग्जाम के पहले 5 से 6 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को करना चाहिए। अब एग्जाम के पहले आप सोचो कि एकदम से 8 to 9 आवर दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब एक और जो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नेट का एग्जाम है उस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, आपका उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आते हैं, क्योंकि सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो हमें छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसा सर आप अगर एक क्वेश्चन भी कराते हो आपकी वीडियोस में, तो सर आप उससे रिलेटेड काफी सारे टॉपिक एक क्वेश्चन में करा देते हो। सर जो जो ही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, अगर मैं एक क्वेश्चन भी कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड मैंने उसकी सारी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में पहले समझा, उस जाके फिर जाके वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ था, जिससे कि अगर और कोई क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से रिलेटेड तब मैं उसको भी आराम से कर पा रही थी। ये बहुत सही अप्रोच है, और जितना हो सके अपने क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपने अभी रिसेंटली जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो अब उसके बाद आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स वीडियो को देखते हैं, तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहोगे? आप 2 और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप उनको बताना चाहोगे, वो क्या होंगे? सर पहले तो मैं उनको बताना चाहूंगी, जिसका किसी भी रीजन की वजह से इस बार नेट या जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, प्लीज डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि सर मेरा प्रीवियस टाइम नेट या कुछ भी नहीं हुआ था, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर शायद मेरा पिछली बार नेट हो गया होता तो मैं जेआरएफ के लिए कभी प्रिपेरेशन नहीं करती। मुझे लगता था जेआरएफ को बहुत ही अच्छे टॉपर्स का होता है, मेरा यही मानना था, बट इस बार मैंने अच्छे से मेहनत की तो मेरा भी जेआरएफ हुआ, आप सबका भी हो जाएगा ऐसे। एंड कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहिए, कि सर डीमोटिवेशन होता है क्योंकि काफी लंबी जर्नी हो जाती है पढ़ते हुए, बीच में लगता है हम इतना पढ़ रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, पर सब बाद में पे ऑफ करता है ये सब कुछ। पेशेंस चाहिए इस फील्ड पे, जो मेन चीज है हाँ कि आप स्टार्टिंग से ही अगर पेशेंस रखोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके बाद आपके जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में भी बहुत पेशेंस चाहिए ना। तो अब आपका क्या गोल है, नेक्स्ट गोल क्या है, आप क्या करना चाहोगे? मतलब आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो गया कि अब आगे आप क्या करोगे? बेसिकली नेट जेआरएफ से तो कुछ नहीं होता है ना, वो चीज है, अब आगे आपको इसे डबल मेहनत करना पड़ेगा, इसे डबल हार्ड वर्क करना हाँ पड़ेगा, तो अब आगे आपका क्या एम है या आपका क्या गोल है? जी, जब से नेट एग्जाम क्लियर हुआ जी। हाँ जी सर, हाँ, टेल, हेलो, पीएचडी तो थोड़ा और मोटिवेशन आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि पीएचडी तो काफी डिफिकल्ट होगा, पर अब जैसे जैसे हम एक एक स्टेप क्लियर करते जाते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आता है। हाँ यस, वी कैन डू इट। तो डेफिनेटली पीएचडी के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, और आप अभी चीजों को डाउन नहीं करना है, जितना हो सके अभी भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और जितना हो सके देखो एक लिस्ट बनाओ प्रॉपरली, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप आईएम्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आईआईटीज, एनआईटी, IIT, IIT, सबका लिस्ट बनाओ प्रॉपरली और उस पर चीजों को लिखो, कब कौन सा, कब कितने टाइम एप्लीकेशन आता है। आपको कोई भी एप्लीकेशन छोड़ना नहीं है, और पहले आपको ट्राई स्टार्टिंग करनी है आईआईएम से, पहले आप आईआईएम्स में अप्लाई करो, अगर वहां पे नहीं होता है बाई चांस तो फिर आप आईआईटीज में आओ, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, ठीक है, तो वो गलत है। आप पहले एक पूरा हायरार्की है वो फॉलो करते हुए आओ, अपने कॉन्सेप्ट को जितना हो सके वो क्लियर करो, ठीक है,
तो ये मेन चीज है। और पीएचडी इंटरव्यू की भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आप जाके वो देख सकते हो। और क्या ऑप्शंस हैं वो सारी चीजें मैंने बताया है, तो आप वो जाके देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा आपका थैंक यू फीडबैक सो था। मच। मे बी सर ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाँ हाँ अगर चलिए, आप रिसर्च प्रपोजल के ऊपर गाइड कर सके, वीडियो बना सके। हाँ डेफिनेटली एक वीडियो है रिसर्च प्रपोजल के ऊपर भी। और आईआईएम्स में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे भी एक वीडियो है। तो वो मेरा मेन मोटिव ही, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो वो वही था। तो मैं आपको वो चीज बता भी चुका हूँ कई सारे वीडियोस पे। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर हमसे जुड़ने के लिए। एंड आपको बहुत अच्छा, आगे फ्यूचर में अच्छा आप कोशिश करो कि आईआईएम्स निकालो, और बहुत ज्यादा खुशी होगी मेरे को भी और आपको भी, आप जितना अचीव करोगे। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू सो मच।